नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। सन 1998 में भारत ने अमेरिका सैटेलाइट को थत्ता बताते हुए 5 परमाणु परीक्षण किए थे। ये परीक्षण तमाम पश्चिम देशों की इंटेलिजेंसी और अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA की सबसे बड़ी नाकामी थी। इस परमाणु परीक्षण की गिनती दुनिया के सबसे सफल सीक्रेट ऑपरेशन में की जाती है। लेकिन कैसे भारत अमेरिका एजेंसी CIA की नाक के नीचे ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दे पाया, आइए जानते हैं। 11 मई 1998 की दोपहर 3:45 पर एक साथ 3 परमाणु विस्फोट किए गए। अब तक दुनिया को इस परमाणु परीक्षण के बारे में पता नहीं चल पाया था, यहां तक कि अमेरिका और अन्य पश्चिम देश भी इस बात से अनजान थे। अब समय दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित करवाने का था और इसके 2 घंटे बाद ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टेलीविजन पर इस बात से दुनिया को रूबरू करवाया। वाजपेयी जी ने कहा कि आज हमने 3:45 पे भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। आज एक फिशन, एक लो यील्ड डिवाइस और एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के साथ परीक्षण किए गए। इसके लगभग 45 घंटे बाद ही 13 मई को दोबारा से पोखरण रेंज में 2 और सब किलोन डिवाइस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 11 से 13 मई को हुए इन 5 परमाणु परीक्षण ने दुनिया को यह बता दिया कि अब भारत भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका। इससे पहले सन 1995 में भारत ने परमाणु परीक्षण की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका सैटेलाइट की निगाह में आ जाने के कारण इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। 1998 में बनी वाजपेयी सरकार भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी। इस संबंध में जब उन्होंने इसकी घोषणा की तो अमेरिका एजेंसी के कान खड़े हुए। 1995 के बाद पोखरण की निगरानी कम करने के बजाय बढ़ा दी गई। इस काम के लिए अमेरिका ने अपनी नेशनल एमेजरी NIMA और NGO को निगरानी पर लगा दी। इसी के साथ अमेरिका की जासूसी सैटेलाइट केच पोखरण पर पल पल नजर रखे हुए। 1998 में CIA की सैटेलाइट इमेज ग्रैबिंग टेक्निक्स इतनी उन्नत थी कि वह अंतरिक्ष से धरती पर खड़े किसी भी इंसान के हाथ में बंधी घड़ी के समय की बिल्कुल साफ तस्वीर ले सकती थी। पेंटागन के 1 अरब अमेरिकन डॉलर कीमत वाले 2 केच 12 निगरानी उपग्रह हर्बल स्पेस दूरबीन की तरह पृथ्वी पर नजर गड़ाए रहे थे। धरती से 264 किलोमीटर ऊपर इनके ऑप्टिकल सेंसर वस्तुओं की स्पष्ट तस्वीर ले सकते थे। इतनी साफ की धरती पर पड़ी हुई किताब का टाइटल भी साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है। भारत के पोखरण रेंज के चारों ओर घूम रहे 45 मीटर तक फैल सकने वाले सौर ऊर्जा पैनलों वाली 2 लैक्रो सैटेलाइट में लगे रिडार इमेजिंग कैमरा बादलों और यहाँ तक की धूल की तूफान के आर पार भी साफ देख सकने में सक्षम थे। इसके द्वारा खींची गई तस्वीरें अगले 1 घंटे में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की डिस्क पर भेजी जाती थी। परमाणु परीक्षण से लगभग 10 दिन पहले भारत ने अमेरिका का ध्यान पोखरण से हटाने के लिए जम्मू कश्मीर से लगने वाले पाकिस्तान सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी थी। इससे पाकिस्तान की भौहें तनकी और वह भारत से किसी हमले को लेकर सजग हो। वहीं इस घटना का वर्णन पाकिस्तान ने खुद अपने प्रिय मित्र अमेरिका को सुना दिया। इसका वही परिणाम हुआ जैसा भारत चाहता। अब अमेरिका का ध्यान पोखरण से हटकर भारत की सैन्य तैयारियों पर लग गया। वहीं भारतीय वैज्ञानिक भी अपनी पहचान छुपाकर सेना की वर्दी में साइट पर लगातार काम करते रहे और अमेरिका यही सोचता रहा कि ये सब सेना के अधिकारी। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिका निगरानी सैटेलाइट से बचने के लिए उनके रियल टाइम गतिविधि का पता लगाया। आखिरकार वैज्ञानिक ये पता लगाने में सफल रहे कि ये सैटेलाइट पोखरण के रेतीले इलाके के ऊपर से कब गुजरता है और कब वापस आ जाता है। पोखरण के परीक्षण रेंज पर 24 घंटे में 2 या 3 बार सैटेलाइट की नजर आ जाती थी। इससे बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने इसमें कोई भी संदिग्ध काम नहीं किया। जैसे ही सैटेलाइट अपनी जगह से हटती, उनकी नजर इस रेगिस्तान इलाके से हट जाती। ऐसे में वैज्ञानिक इस समय का फायदा उठाते और परीक्षण की तैयारियों पर काम शुरू हो जाता। जैसे ही द्वारा से सैटेलाइट इस जगह आते, काम को रोककर पूर्व स्थिति लागू कर दी जाती। अमेरिका अधिकारी भी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अगर पोखरण में परमाणु परीक्षण संबंधी कुछ भी संदिग्ध काम होता है तो उनकी चील जैसी सैटेलाइट की निगाह से कब तक बच पाए। हालांकि उनका यह सोचना गलत साबित हुआ। इन निगरानी उपग्रह को भारत के वैज्ञानिकों ने चकमा दे दी और परीक्षण के दिन तक ये पोखरण में होने वाली किसी भी गतिविधि को कैद नहीं कर पाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्याप्त चेतावनियों के बावजूद भारत के सफल परमाणु परीक्षण अमेरिका केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिका विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक शर्मनाक। इस परीक्षण के बाद 13 मई को ही अमेरिका सीनेट की खुफिया समिति के अध्यक्ष ने इस दशक की सबसे बड़ी खुफिया बिफरार दिया था। इसी के साथ अमेरिका केंद्रीय खुफिया निर्देशक जॉर्ज टेनेट ने सेवानिवृत्त एडमिरल डेविड को पोखरण परीक्षण स्थल पर तैयारियों को पता लगाने में हुई
खुफिया चूक की जांच करने का आदेश दे दिया। जॉर्ज टेनेंट ने बाद में कहा था, हम कई साल से भारत के परमाणु कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन इस बार हमसे चूक हुई और हम नहीं बता सके ऐसा कोई परीक्षण कब होने जा रहा है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हम इसमें विफल रहे। ऑपरेशन शक्ति नामक इन परमाणु परीक्षण के परिणाम स्वरूप अमेरिका सहित अन्य ताकतवर देशों ने भारत पर कठोर दंडात्मक सैन्य आर्थिक व प्रौद्योगिकी प्रतिबंध लगा दिए थे। वे इसके अगले 48 घंटों में चीन की शह पर पाकिस्तान ने भी 6 परमाणु परीक्षण कर भारत को जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन भारत नहीं रुका और उसने पश्चिम देशों की तमाम कोशिशों के बावजूद तरक्की की। इस कारण भारत आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन पाया। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।